कोरोना के इलाज में कारगर एंटीवायरल टैबलेट मोनलुपिराविर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो ये मेडिसिन आपको कैसे मिलेगी, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, आपके ऐसे सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। इस टैबलेट का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज में किया जाता है। ये दवा वायरस को बढ़ने से रोकती है और शरीर के अंदर वायरस को कमजोर करती है, जिससे गंभीर बीमार होने की संभावना कम होती है। ये एक अपडेटेड वर्जन टैबलेट है जिसे आसानी से लिया जा सकता है। पूरे 5 दिन के कोर्स के साथ मोनलुपिराविर मेडिसिन को 1399 रुपए में लॉन्च किया गया है। ये अब तक की सबसे सस्ती एंटीवायरल दवा बताई जा रही है, जिसके एक कैप्सूल की कीमत महज 35 रुपए होगी। तो ये मेडिसिन खरीदनी कहाँ से है? ये बाजार में आसानी से उपलब्ध होगी क्योंकि इसे मेडिकल स्टोर पर बेचने की सिफारिश की गई है। लेकिन इस दवा का उपयोग उन मरीजों के लिए किया जाएगा जो गंभीर संक्रमण के शिकार हों और अस्पताल में भर्ती हों। इस दवा का कोर्स 5 दिनों का होगा। मरीज को 12 घंटे के अंदर 4 टैबलेट खानी होगी, यानी मरीज को 24 घंटों में 8 टैबलेट दी जाएंगी। इसका पूरा कोर्स 40 टैबलेट का होगा। हाँ, एक और जरूरी बात, ये मेडिसिन भले ही आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाए, लेकिन इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है। जब तक डॉक्टर किसी मरीज के लिए इस दवा को पर्ची पर नहीं लिख देते, तब तक इसे नहीं खरीदा जा सकेगा। तो अब जान लीजिए कि ये मेडिसिन आपके शरीर में कैसे काम करेगी। कोरोना वायरस आरएनए मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में दस्तक देता है, और जैसे जैसे वायरस और संक्रमण फैलता है, वैसे वैसे मरीज की हालत गंभीर होती जाती है। लेकिन ये मेडिसिन आरएनए मैकेनिज्म को ठीक करती है और वायरस को शरीर में फैलने से रोकती है। जब दवा का असर शुरू होता है और वायरस कमजोर पड़ता है, तो मरीज की हालत सामान्य हो जाती है और वो गंभीर संक्रमण से बच जाता है। भारत की करीब 13 फार्मा कंपनियां इस मेडिसिन का प्रोडक्शन करेगी। इन कंपनियों में डॉक्टर रेड्डी, नेटको फार्मा, सिप्ला, स्ट्राइड, हेट्रो और ऑप्टिमिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।